Hi guys, myself RK Maurya, welcome to my YouTube channel Micro Classes. Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. अपना जो TGT के जो नेक्स्ट पोएट और राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ. और यूपी TGT है इसमें जो है इसमें जो सिर्फ चार ही राइटर का स्टडी किया जाता है, जिसमें आपके फर्स्ट है विलियम शेक्सपियर, आपके सेकेंड है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है जॉन मिल्टन और फोर्थ है गॉल्सवर्थी. और एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो चारों राइटर हैं और इन चारों राइटरों के जो सभी के जो पिता का नाम सिर्फ एक ही है वो है जॉन. उनका सरनेम जो है वही, जैसे आपके विलियम शेक्सपियर है, इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर है. तो अब जॉन मिल्टन जो है इनके पिताजी का भी नाम जॉन मिल्टन ही है, बस उनको हम लोग जॉन मिल्टन सीनियर या जॉन मिल्टन फर्स्ट के नाम से जानते हैं. अब गॉल्सवर्थी जी हैं, गॉल्सवर्थी जी, तो इनके भी पिताजी का नाम सेम है, बस हम लोग इनके नेम में सीनियर या फर्स्ट लगाते हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर के पिताजी में हम लोग लगाते हैं. तो जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ जॉन मिल्टन पे, विलियम शेक्सपियर के और जॉन गॉल्सवर्थी पे जो है सब वीडियो बन चुके हैं. उनके बारे में हर एक डिटेल, उनके वर्क्स क्या है, उनके जीवनी के बारे में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. वन मोर थिंग गाइज, कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूपी TGT से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के सभी आपको इस चैनल पे मिलेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में. तो बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन काल के बारे में, तो इनका जन्म 1770 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1850 ईस्वी में हुआ था. एक चीज़ और कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ही हम लोग नेचर पोएट के नाम से जानते हैं, इसके अलावा अन्य भी इनका नाम है, जैसे कि हर्बिंगर ऑफ नेचर, हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर और वर्शिपर ऑफ नेचर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को ही कहते हैं. बात करें इनके जन्म का, तो इनका जन्म जो है वो कोकर माउथ में हुआ था, लेक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, यूके में पड़ता है. और इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ. डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो है इनकी बहुत इनके लाइफ में बहुत ये बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इन्होंने मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जी के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किए थे. और ये भी एक पोएट थी, पोएट और एक डायरिस्ट जो है ये एक थी. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था. और कहाँ पे हुआ था? ये कोकर माउथ एक जगह है लेक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है. और इनके पिताजी की जो थे जॉन वर्ड्सवर्थ, इनकी मृत्यु जो है 1783 ईस्वी में हुई थी. और इनकी माता की मृत्यु, इनके माता का नाम एनी कुकसन है, इनकी मृत्यु 1778 ईस्वी में हुई थी. और उनकी जो पत्नी है मेरी हचिंसन, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से वो 4 अक्टूबर 1802 ईस्वी में जो है शादी हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ से इनकी. और इन दोनों लोगों के मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ और मेरी हचिंसन के जो है 5 बच्चे थे. और विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये अपने 5 भाई बहन में जो है दूसरे स्थान पे थे. इनका जो स्थान था वो दूसरा स्थान था, क्योंकि जो पहले स्थान पे थे इनके भाई रिचर्ड, सेकेंड नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और तीसरे नंबर पे इनकी बहन डोरोथी थी, और चौथे नंबर पे इनके भाई थे जॉन, और जो पाँचवें जो इनके एक भाई थे वो क्रिस्टोफर थे. ये 5 भाई बहन जो है थे, जिसमें दूसरा नंबर विलियम वर्ड्सवर्थ का था.
और इनके भाई थे जो रिचर्ड, जो सबसे बड़े भाई थे, वो एक शिप कैप्टन थे एक शिप के, तो उसी दौरान शायद ये किसी वायवस पे थे, तो इनकी मृत्यु जो है 1805 ईस्वी में हो गई थी। अब बात करते हैं जो विलियम वर्ड्सविथ जी का जो अर्ली एजुकेशन है, तो सबसे पहले जो बात आती है कि लो क्वालिटी स्कूल इन कोकरमाउथ 1776 में, यानी कि 1776 में एक लो क्वालिटी का कोई स्कूल था, इनका हाई फाई एजुकेशन शुरू में नहीं हुआ था, लो क्वालिटी का एक स्कूल था, तो उन्हीं में इनका 1776 ईस्वी में एडमिशन हुआ था। और स्कूल इन पेनरिच फॉर अपर क्लास फैमिली, और पेनरिच में एक स्कूल था जो कि अपर फैमिली के लिए था, मतलब हाई फाई क्लास के लोग उस स्कूल में पढ़ते थे। तो इसी क्लास में जो इसी स्कूल में एक लेडी थी, उनका नाम था मैरी हचिंसन, तो इनकी मुलाकात विलियम वर्ड्सवर्थ से होती है, तो अब फाइनली जो है दोनों लोग अंततः शादी कर लेते हैं। After mother death, he was sent to Hawkshead Grammar School in 1778। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के माता की जी की जब मृत्यु हो जाती है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये हॉकशेड ग्रामर स्कूल है ये ज्वाइन करते हैं। कब करते हैं? 1778 ईस्वी में। और जो है took admission in सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज के अंतर्गत आता है इन 1787, यानी कि 1787 में जो है ये कैम्ब्रिज के अंतर्गत आने वाले सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और ये जो है अपना ग्रेजुएशन एज अ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट करते हैं 1791 ईस्वी में। ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन ही वेंट टू फ्रांस एंड फेल इन लव विद एनेट वालेन एंड मैरिड हर, गॉट वन चाइल्ड नेम कॉडलिन, जो कि एक लड़की है। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन जब चरम सीमा पे था, तो ये फ्रांस का विजिट करने के लिए गए थे, फ्रांस में विजिट करने के लिए गए थे, तो उसी विजिट के दौरान ही इनकी मुलाकात एनेट वेलेन एक लड़की से होती है, और उसी लड़की के प्यार में वर्ड्सवर्थ जी पड़ जाते हैं फाइनली जो है उनसे, यानी कि एनेट वायलेंस ये शादी करते हैं, और इनके उनसे जो है एक बच्ची इनको पैदा होती है जो जिसका नाम कॉर्लिन रहता है। बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ जी के फर्स्ट पोएम की, तो इनका जो फर्स्ट पोएम था वो 1787 में, यानी 1787 में जो है एक सोनेट इन्होंने लिखा था जो कि यूरोपियन मैगजीन में प्रिंट होता है। इनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो यूरोपियन मैगजीन जो है मैगजीन में प्रिंट होता है, और वो कब लिखी गई थी वो सोनेट, वो 1787 ईस्वी में लिखा गया था। इनके जो मेजर वर्क्स है उसके बारे में देख लेते हैं, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है, जो बहुत ही फेमस वर्क्स है, तो जो फर्स्ट है वो एन इवनिंग वॉक, जो कि 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है। जो सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव शेचर, जो कि 1793 में प्रकाशित हुआ था, और लिरिकल बलाड इनका बहुत फेमस है, यह 1798 में प्रकाशित हुआ था। जो चौथा है इनका पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स, जो कि 1807 में प्रकाशित हुआ था, और जो फिफ्थ है इनका द एक्सकर्सन, ये 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और द प्रील्यूड इनका एक वर्क है जो कि बहुत ही फेमस है। बात करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो जो फर्स्ट अवार्ड इनको मिला था वो था ऑनरेरी डिग्री फॉर डरहम यूनिवर्सिटी, यानी कि जो ऑनरेरी डिग्री इनको डरहम यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई थी 1938 ईस्वी में, और ऑनरेरी डिग्री जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इनको दिया गया था 1939 ईस्वी में, और पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड भी की उपाधि इनको दी गई थी 1843 ईस्वी में। और 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु का कारण जो है एक रोग रहता है जिसका नाम प्लेरसी रहता है,
एपिलेप्सी एक रोग है जो कि इंसान के फेफड़े में हो जाता है, परिणाम स्वरूप आदमी सांस ले जो है अच्छे से नहीं ले पाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु रेडल माउंट में होता है जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। अब आइए हम देखते हैं कि ईयर वाइज इनकी जो लाइफ स्टोरी है, ये तो हमने एक बेसिक पढ़ा इनके लाइफ के बारे में कि बेसिक क्या क्या है, लेकिन अगर हम आइए अब हम देखते हैं ईयर वाइज कि इन्होंने लाइफ में कौन से साल में इन्होंने कौन सा पहला काम किया, फिर दूसरा काम किया। तो इनके जीवन के बारे में जो ईयर वाइज है वो हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो आता है ईयर वो 7 अप्रैल 1770 आता है, जिसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी का बर्थ होता है। जगह की बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉकरमाउथ एक है, कम्बरलैंड एक क्षेत्र है, वहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तरी इंग्लैंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर 23 अप्रैल 1850 में जो है इनकी 80 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, और डेथ होने की जो जगह है वो है रीडल वेस्ट मोरलैंड जो कि इंग्लैंड के ही अंतर्गत आता है, और इनको जो है क्रॉस मोर चर्च यार्ड में इनको दफना दिया जाता है जो कि रीडल माउंट जगह पे आता है, और यह जगह वेस्टरलैंड इंग्लैंड में आता है। बात करें 1802 ईस्वी में क्या होता है इनके लाइफ में, कि 1802 ईस्वी में जो है वर्ड्सवर्थ जी मेरी हचिंसन से शादी करते हैं, और 1778 ईस्वी में जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है जिनका नाम एनी कुकसन रहता है। 1779 ईस्वी में जो है हॉकशेड ग्रामर स्कूल लैंसायर ज्वाइन करते हैं ये 1779 ईस्वी में जो है, और 1787 ईस्वी में क्या होता है कि ये जो है सेंट जॉन्स कॉलेज ज्वाइन करते हैं जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और इसी समय डिबट होता है इनके राइटिंग का, जब वह उनका एक जो सोनेट रहता है वो यूरोपियन मैगजीन में प्रकाशित होता है। बात करें 1791 में क्या क्या होता है इनके लाइफ में, कि ये 1791 में जो है ये बीए की डिग्री ग्रहण करते हैं, यानी कि इनका बीए जो है कम्प्लीट हो जाता है, और ये जो फ्रांस में भी ये ट्रेवल करते हैं 1791 में ही, और उसी ट्रेवल के दौरान जो है इनको प्यार हो जाता है एनेट वैलेंट, एक लड़की रहती है फ्रांस में, इनके प्यार में पड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप जो है अंत में शादी भी उनसे करते हैं। बात करें 1793 ईस्वी में क्या होता है इनके लाइफ में, कि इनकी एक जो रचना रहती है एन इवनिंग वॉक, ये जो है फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई जो फर्स्ट पोएम रहती है उसका प्रकाशन होता है, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव स्केसेज के बेस पे रहता है, और 1793 में ही जो है ये अपना जो लिखने का जो कैरियर है इनका ये स्टार्ट करते हैं। बात करें 1795 में इनके लाइफ में क्या होता है, कि ही रिसीव्ड अ लीगेसी ऑफ 900 पाउंड फ्रॉम रेजली कैलवर्ट एंड बिकेम एबल टू परस्यू अ कैरियर एज अ पोएट, यानी कि एज अ लीगेसी एज अ विरासत जो है इनको 900 पाउंड्स मिलता है इनको जो है, परिणाम स्वरूप ये जो इनका राइटिंग का कैरियर है वो अच्छे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनको घर चलाने के लिए काफ़ी पैसे इनके पास हो गए थे, तो इन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान जो है राइटिंग के क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, और 1795 में ही सेटल डाउन इन समरसेट विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, वेयर ही मेट एस टी कॉलरेज हुम वाज हिज नेबर, और 1795 में ही ये अपने बहन डोरोथी के वर्ड्सवर्थ के साथ में जो है समरसेट एक शहर का नाम है वहाँ पे ये जो है शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे एक फेमस जो राइटर रहते हैं जो पोएट रहते हैं एस टी कॉलरिज, वहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जी इनसे मिलते हैं, और जो सेंट
एसटी कॉलरेज जी इनके पड़ोसी रहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के, जहाँ पे ये नए नए शिफ्ट हुए रहते हैं अपने सिस्टर डोरोथी के साथ में, तो वहाँ पे ये नेबर रहते हैं। 1797 ईस्वी में जो है ये अफ्रोक्सटन गए थे और 1797 से लेकर 1808 तक जो है विलियम वर्ड्स सेंट्रल वर्क वेयर प्रोड्यूस्ड, यानी कि 1797 में से लेकर 1808 के बीच जो है इनके जो मेन वर्क्स है सभी के सभी इसी कालखंड के दौरान प्रकाशित हुए थे। और बात करें 1813 ईस्वी में तो वर्ड्सवर्थ ग्रासमेयर पीरियड एंडेड, 1813 ईस्वी में जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है यह ग्रासमेयर पीरियड समाप्त हो जाता है और इनको जो है ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स फॉर वेस्टमोरलैंड में जो है इनका अपॉइंटमेंट होता है। और 1798 से लेकर 1799 तक जो है इनके एक वर्क्स है द रेक्लूज, ये जो है प्रकाशित होती है। और 1798 में जो है इनका बहुत ही फेमस वर्क लिरिकल बलाड प्रकाशित होता है। और 1799 में ये जो है ग्रासमेयर एक जगह है वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाते हैं और 1800 में जो है प्रिपेयर्स टू लिरिकल बला लिरिकल बलाट के लिए जो है ये तो एक प्रिपेयर्स टू लिरिकल बलाट जो है प्रकाशित होता है। और 1802 ईस्वी में इनका जो वर्क्स प्रकाशित होता है वो है एन अपेंडिंग्स एंड पोएटिक डिक्शन और जो सेकंड रहता है एड इन लिरिकल बलाड, ये चीज़ें जो है ये वर्क्स इनके 1802 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं। बात करें 1805 ईस्वी में इनके लाइफ में कौन सी घटना घटती है तो लास्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बलाड 1805 ईस्वी में इनका जो लास्ट एडिशन रहता है लिरिकल बलाड का वो प्रकाशित होता है और ही फिनिश्ड हिज पोएम टू कॉलरेज कंप्लीटेड। और 1805 में ही जो है जो इनके पड़ोसी थे कॉलरेज उनके याद में एक जो है पोएम रहता है वो कंप्लीट करते हैं। 1807 ईस्वी में क्या होता है इनके लाइफ में को ओड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी जो है ये प्रकाशित होता है गॉड पब्लिक्स इन टू पार्ट्स, जो कि दो पार्ट्स में प्रकाशित होता है फ्रॉम री कलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो कि अर्ली चाइल्डहुड पे जो है ये बेस्ड रहता है। और 1838 ईस्वी में द सोनेट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड, 1838 में जो सोनेट्स जो लिखे हुए रहते हैं वर्ड्सवर्थ के वो लोगों के सामने आते हैं। और 1839 ईस्वी में ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो है ऑनरेरी डिग्री इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिलता है। और 1843 से लेकर 1850 तक जो है ये पोएट लॉरेट रहे। 1850 ईस्वी में जो है इनकी डेथ हो जाती है एंड आफ्टर डेथ द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ हचेंशन, जो इनकी वाइफ रहती हचेंशन ये जो है इनकी जो वर्क्स रहता है द प्रील्यूड इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित जो है करवाती हैं। और 1855 ईस्वी में क्या होता है कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ डाइड, इनकी जो सिस्टर रहती है प्री सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ ब्रिटेन एंड बिलोंग्स टू 18th century। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये एक बहुत ही ब्रिटेन के महान कवि थे और ये जो है 18th century से इनका संबंध था। और 1790 ईस्वी में क्या होता है वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस टू टाइम्स इन 1719, यानी कि 1791 से लेकर 92 तक जो है ये दो बार फ्रांस का जो है ये भ्रमण करते हैं। और विलियम शेक्सपियर को ये विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग अदर नाम से भी जानते हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन से नाम है जिनको हम जानते हैं। इनको रोमांटिक पोएट भी कहते हैं, वन ऑफ द एल्डर रोमांटिक्स भी इसको रोमांटिक्स भी कहते हैं। और जो थर्ड इनका जो नाम है वो हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर के भी नाम से जानते हैं और हरबिंगर ऑफ नेटिव के नेचर के नाम से जानते हैं इनको और पोएट ऑफ मैन के भी नाम से विलियम वर्ड्सवर्थ को जानते हैं। और इनको और भी नाम से जानते हैं जैसे वर्शिपर ऑफ नेचर, पायनियर ऑफ रोमांटिसिज्म,
बार्ड ऑफ रेडल माउंट के नाम से भी इनको जानते हैं। आइए कुछ देखते हैं कि फॉर वर्ड्सवर्थ नेचर वाज द नर्स द गाइड द गार्जियन ऑफ हिज मोरल बीइंग प्ले आर अफेक्टेड बाय नेचर। यानी कि इनके जो प्ले हैं, इनके जो वर्क्स हैं, वो कम्प्लीटली पूरी तरफ जो है नेचर से प्रभावित है और हर एक जगह जो है ये नेचर को अपना नर्स समझते हैं, अपना गाइड मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं और जो है नेचर से ही ये अपना जो मोरल एजुकेशन है वो ग्रहण करते हैं। कुछ और फैक्ट्स हैं इनके बारे में, वो देख लेते हैं कि द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द रोमांटिक मोमेंट गोज टू वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है रोमांटिक पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बालाड ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है लुसियस कैगमैन टर्म्ड द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो रोमांटिक जो राइटर हैं जो लुसियस कैगमैन, इन्होंने जो है जो रोमांटिक एज है वो टर्म द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है उसी को जो है रोमांटिक एज का नाम जो है ये लुइस कैगमैन जी ने दिया है। अब एज और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ से मतलब ये है कि उस एज की बात है जिस समय इन्होंने अपने करियर स्टार्ट की राइटिंग के क्षेत्र में और जब तक इन्होंने लिखा। ही ग्रीव अपीन द मिडस्ट ऑफ द कैप्टिवेटिंग नेचुरल ब्यूटी ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर ही मेट पोएट एस टी कॉलरेज हुम वॉज हिज नेबर वर्ड्सवर्थ लिव विद हिज सिस्टर डोरोथी। नेक्स्ट पॉइंट है रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इन हर मेलेटी। नेक्स्ट पॉइंट ही वॉज द फर्स्ट टू द ग्रेट रोमांटिक्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है बॉर्डरस जो कि 1795 से 1797 तक था इज हिज ओनली प्ले अवेयर्स ट्रेजिडी। यानी कि जो इनका सिर्फ एक जो वर्क्स है इनका जो द बॉर्डरस ये जो है सिर्फ ओनली एंड ओनली इनका एक ट्रेजिडी एक्ट है। इनके जो मेन वर्क्स है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है लिरिकल बालाड जो कि 1798 में प्रकाशित हुआ था। जो सेकंड है सिमोन लीव। थर्ड है वी आर सेवन। जो फोर्थ है द रेक्ल्यूज। जो फिफ्थ है सोलिटरी रिपर। सिक्स्थ है लाइनर रिटर्न इन अर्ली स्प्रिंग। जो सेवन्थ है एक्सपोर्ट अलिशन एंड रिप्लाई। जो इनका नेक्स्ट वर्क्स है द टेबल टर्न्ड। जो नाइन्थ एक्ट है टिंटर्न एबी जो कि एक वॉवेस पे लिखी गई है। जो टेंथ है इनका डोफोडिल्स। नेक्स्ट इनका माय हार्ट। जो ट्वेल्थ इनका वर्क्स है वह ओड टू ड्यूटी जो कि 1807 में प्रकाशित हुआ था। जो थर्टीन्थ है इनका लेडोमिया जो कि एक नरेटिव पोएम्स है। 14th है द लीच गेदर। जो 15th है द थॉर्न। जो 16th वर्क्स है इनका यह है लूसी ग्रुप ऑफ पोएम। जो नेक्स्ट वर्क्स है इनका एन इवनिंग वॉक जो कि 1793 में प्रकाशित हुआ था। जो इनका 17th जो एक वर्क्स है वो है यारो रिविजिटेड। जो इनका नेक्स्ट वर्क्स है वह पोएम्स इन टू वॉल्यूम जो कि 1807 में प्रकाशित हुआ था। जो इनका नेक्स्ट वर्क द प्रील्यूड जो कि 1850 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था पब्लिश्ड फॉर द पब्लिश्ड फॉर थ्रू मोरली जो कि एक आयट ऑटोबायोग्राफिकल है गॉट पब्लिश
आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित होता है, प्रकाशित करवाने वाला कौन रहता है, उनकी पत्नी। इनका जो नेक्स्ट है वो डिस्क्रिप्टिव स्केच है, जो कि 1793 में प्रकाशित हुआ था। यह जो है एक फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन है, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट पॉइंट है उनका द सोनेट ऑन सोनेट्स, ये इनका एक बहुत ही फेमस वर्क्स है विलियम वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट जो इनका वर्क्स है तो एक्सकर्शन, जो कि 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और यह जो है लॉन्गेस्ट पोएम है। जो इनका नेक्स्ट वर्क है वह लिरिकल बलाड, जो कि 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जो इनका नेक्स्ट वर्क है वो द कुकू, जो कि ट्वेंटी फाइव पोएम्स का एक कलेक्शन है, जो कि माइकल के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। अब आइए देखते हैं कि लिरिकल जो बालाड है ये इसमें जो है टोटल 23 पोएम है। लिरिकल बालाड में टोटल 23 पोएम है, जिसमें वर्ड्सवर्थ जी ने 19 पोएम लिखे हैं और कॉलरिज जी जो है ये 4 पोएम लिखे हैं। और ये जो टोटल 4 एडिशन में प्रकाशित हुआ था। जो फर्स्ट एडिशन था वो 1798 में प्रकाशित हुआ था, जो सेकंड एडिशन है वो 1800 में प्रकाशित हुआ था, जो थर्ड एडिशन है वो 1802 में प्रकाशित हुआ था, और जो फोर्थ एडिशन है वो 1805 में प्रकाशित हुआ था। द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बालाड इज राइम ऑफ एनशियंट मैरनर, जो कि एस टी कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। और जो लास्ट पोएम रहता है लिरिकल बालाड्स का, वो जो टिंटन एबी रहता है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जी के द्वारा लिखा गया रहता है। प्रीफेस टू लिरिकल बालाड, जो ये 1800 में प्रकाशित होता है, वह सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बालाड, जो कि लिरिकल बालाड का ये सेकेंड एडिशन रहता है। एंड इट वॉज बाई वर्ड्सवर्थ ओली, जो कि इसके सभी पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखा गया रहता है। यानी कि जो सेकंड एडिशन जो लिरिकल बालाड का जो प्रकाशित होता है, उसमें सभी के सभी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ रहता है। और 1797 से लेकर 1808 तक जो है इनका जो बेस्ट पोएट्री जो रहता है, 1797 से लेकर 1808 तक जो है इनके जो भी वर्क्स है सभी के सभी इसी समय के जो है प्रकाशित हुए थे। बात करते हैं कि लेक पोएट्स कौन कौन थे। तो लेक पोएट जो 4 लोग थे, एक्चुअली ये एक जगह का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। इस बिल्डिंग में जितने भी पोएट्स रहे तो उनको लेक पोएट्स के नाम से जानते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं कि जो फर्स्ट लेक पोएट थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जो सेकंड थे वो एस टी कॉलरिज थे, जो थर्ड रहते हैं वो रॉबर्ट साउदी रहते हैं, और जो फोर्थ रहते हैं पोएट वो डी क्विंसी रहते हैं। अब आइए देखते हैं कि लेक पोएट का मतलब क्या होता है। कि ड्यूरिंग 1797 से लेकर 1808 के बीच में जो है दे लिव्ड इन डॉ कॉटेज इन लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक जिले में जो है एक डॉ कॉटेज के जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ये लोग रहते थे, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ मेट कॉलरिज, जहाँ पे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कॉलरिज से मिलते हैं और साउदी से भी उसी समय मिलते हैं। डेट इज़ वाई थ्री पोएट्स कॉल्ड लेक पोएट्स, यही रीज़न है कि ये तीनों पोएट को लेक पोएट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है लेक डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्डिंग रहती है डॉ कॉटेज, इसी बिल्डिंग में तीनों लोग रहते थे। और इन द सेम डो कॉटेज, और उसी डो कॉटेज में जो है थॉमस डी क्विंसी भी रहते थे। जब ये तीनों लोग जो है जब विलियम वर्ड्सवर्थ जब वहाँ पे चले गए, तब जो है जो चौथे कवि रहते हैं थॉमस डी क्विंसी, ये वहाँ पे थे। इसीलिए जो है जो लोग लेक पोएट्स हैं वो टोटल 4 हो जाते हैं। फर्स्ट विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकेंड एस टी कॉलरिज, और थर्ड रॉबर्ट साउदी, और जो फोर्थ रहते हैं वो डी क्विंसी रहते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो है ये आते हैं। अब देखते हैं कि कौन से किस साल तक जो है पोएट लॉरेट की उपाधि किसके पास रही। तो रॉबर्ट साउदी थे सबसे पहले, यही एक फर्स्ट पोएट लॉरेट थे, जो कि 1813 से ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक थे। और वर्ड्सवर्थ जो है 1843 से लेकर 1850 तक थे, और
अल्फ्रेड टेनिसन जो है 1850 से लेकर 1892 तक पोएट लॉरेट रहे। वर्ड्सवर्थ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था जहाँ पे ये घूमने के लिए गए थे वर्ड्सवर्थ जी, उस रिवॉल्यूशन से ये बहुत ही प्रभावित हुए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द टीचिंग फॉर मैन, और इन्होंने अपने पोएट्स में अपने वर्क्स में यही शो किया है कि जो नेचर है वही जो है इंसान का अध्यापक या टीचर है। इंसान जो है नेचर से हर एक चीज सीख सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ गेव अ सेपरेट लाइफ एंड सोल टू नेचर। आइए देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के हिसाब से जो है पोएट्री का डिफिनेशन क्या होता है। पोएट्रीज डिफिनेशन बाय वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है जो एक शांत हृदय रहता है जी, ऐसा दिल जो कि बहुत शांति से है वो ट्रांक्विलिटी को प्रदर्शित करता है। तो आइए एक बार वापस डिफिनेशन पढ़ते हैं। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड ट्रांक्विलिटी। कुछ और पॉइंट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, वो देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड हिज ओन पोएम इन द बुक लिरिकल बलाड एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट पॉइंट है आर ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरेट शिप ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट ब्राउनिंग जी का ये कहना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जो लॉस्ट लीडर इन्होंने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि इन्होंने जो है पोएट लॉरेट की उपाधि जो है धारण करके इन्होंने अपना जो लीडरशिप का था टैलेंट इसको इन्होंने खो दिया था। ये कुछ पॉइंट्स जानते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग राइट्स द पोएम द लॉस्ट लीडर, इसी चीज़ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पोएम भी लिखा है जिसका नाम है द लॉस्ट लीडर, जो कि वर्ड्सवर्थ पे ही लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन मिल्टन इन 1838, यानी कि जॉन मिल्टन जी पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ एक सोनेट लिखा है जो कि 1838 में प्रकाशित हुआ था। पी वी शेली जो है वर्ड्सवर्थ को उन्होंने क्या कहा था, तो अ मोरल यूंच कहा था। यूंच मतलब एक इंसान से मतलब है जो कि जिसके अंदर मोरल एबिलिटी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये लाइन है अ सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ रिटन ऑन कॉरलिन। कॉरलिन पे इन्होंने एक सोनेट लिखा है जिसकी एक लाइन है बहुत ही फेमस है, वो लाइन है इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। सॉरी, ये एक सोनेट का नाम है, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग कॉम्स एंड फ्री एक सोनेट है जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, और किस पे लिखा गया है, कॉरलिन एक लेडी रहती हैं उन्हीं पे लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 1792 ईस्वी में जो है वर्ड्सवर्थ रिवोल्यूशनरी फ्रेंच जब रहता है फ्रांस में, उस समय ये फ्रांस का भ्रमण करते हैं। ड्यूरिंग दिस सेकेंड विजिट, जब इनका सेकेंड विजिट रहता है तो वहीं मेरी एनेट वी एलन से ये मिलते हैं जो कि इनकी गर्लफ्रेंड रहती है, और लास्ट में फाइनली ये इनसे शादी भी करते हैं। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचुरल चीज़ के लिए जाना जाता है, और जो कॉलरीज रहते हैं ये जो है सुपर अपने वर्क्स में या सुपर नेचुरल को ज़्यादा जो है तर्जी इन्होंने दिया हुआ है। सुपर नेचुरल का मतलब कि एक ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल इंसान के अंदर ना हो, वो सिर्फ अद्भुत इंसानों के अंदर ही रहती है, ऐसे टैलेंट का जो है वर्णन कॉलरिज जी करते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ जी है जो सिर्फ ऐसे नेचुरल टैलेंट नेचुरल चीज़ों का बातें करते हैं जो कि एक सामान्य इंसान के अंदर भी रहता है। ये लिरिकल बालाड जो कि बहुत फेमस है,
तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि लिरिकल बालाड का जो फर्स्ट एडिशन रहता है वो 1798 में प्रकाशित होता है, जिसमें टोटल 23 पोएम्स रहता है, एक 19 पोएम्स प्लस 4 पोएम्स। जो सेकंड एडिशन रहता है जो कि 1800 ईस्वी में प्रकाशित होता है, वो पोएटिक डिक्शन रहता है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एड किया हुआ रहता है, इसको प्रीफेस के नाम से जानते हैं। जो थर्ड एडिशन प्रकाशित होता है इसमें जो है आपका मिस्ट, ये जो इनके जो भी लिरिकल बालाड्स रहते हैं इसमें बात करें क्या क्या इसमें खूबियां रहती हैं, तो ये इसमें जो मिस्टीरियस चीज़ें रहती हैं, कॉमन मैन वाली चीज़ें रहती हैं, लिरिकल क्वालिटी की चीज़ें रहती हैं, बलाड्स लिरिक की चीज़ें रहती हैं, कंट्री लाइफ की चीज़ें रहती हैं, यानी कि वाट एवर इज़ हैपनिंग इन कंट्री इन अ विलेज, उनकी चीज़ों को भी इसमें प्रकाशित किया गया है। और लव्ड नेचर यानी कि नेचर से की चीज़ें जो है इसमें प्रकाशित हुई रहती हैं, और ये एक सब्जेक्टिव वर्स रहता है। और बात करें जो इनका प्रील्यूड था जो कि ऑटोबायोग्राफिकल एक पोएम्स रहता है, यह 14 बुक में प्रकाशित हुआ रहता है, और ये बुक जो है स्पिरिचुअल पे आधारित रहता है। और कुछ सोनेट्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे हुए, वो देख लेते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच हाई विद अस लंडन, ये भी इनका एक सोनेट्स है। टू मिल्टन ये भी सोनेट्स है, और स्कॉल नॉट द सोनेट ये भी एक पोएम है, एक सोनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जी के द्वारा लिखा हुआ है। कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें लिखा है वो बहुत फेमस है, वो देख लेते हैं कि मिल्टन डू शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, जो टू मिल्टन जो सोनेट लिखा हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इसमें ये लाइन लिखी हुई है जो कि 1802 ईस्वी में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ था, कहाँ पे, लंदन में। दो दाउ सोल वाज लाइक अ स्टेर ड्वेल्ट अ पार्ट, ये एक लाइन है जो कि मिल्टन दी के द्वारा लिखा हुआ है। अबव लाइन इज डेडिकेटेड टू मिल्टन बाय वर्ड्सवर्थ, वो लाइन जो है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है किसके लिए, जॉन मिल्टन जी के लिए लिखा हुआ है। और वर्ड्सवर्थ जी का और कुछ कथन है वो देख लेते, ओ आई वर्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये भी एक लाइन है, एक सोनेट्स का लाइन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट्स ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, तो स्पॉट्स ऑफ टाइम जो ये एक शब्द है ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी से संबंधित है। द सी डैट बेयर्स हर बुजम टू द मून, ये एक लाइन है, लाइन्स इज फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा हुआ है। 10,000 सा एट अ ग्लैंस, ये एक हाइपरबोल है जो कि डफोडिल्स में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है, क्या लिखा था, 10,000 सा एट अ ग्लैंस। प्रील्यूड टाइटल इज ऑल्सो नोन एज द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, प्रील्यूड जो टाइटल है इसको जो है एक अदर एक और अन्य टाइटल के भी नाम से जाना जाता है, जो है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये जो है कथन टिंटन एबी में विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल, मिल्टन जी जो है ये वर्ड्सवर्थ के एक आदर्श महान जो है थे, कौन थे, मिल्टन जी किसके लिए, वर्ड्सवर्थ जी के लिए। अर्नॉल्ड कंसीडर्स हिम वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो अर्नॉल्ड थे वो जो है वर्ड्सवर्थ जी को कंसीडर करते थे एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट है अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जंबंड
कंपनी, ये किसका कथन, ये जो है व्हाट वॉज जी ने लिखा है डैफोडिल्स में। आई बिहोल्ड इन द व्हाट आई वाज वंस, आई बिहोल्ड इन द व्हाट आई वाज वंस, ये एक लाइन है जो कि व्हाट वॉज जी ने लिखा हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अपीयर्स इन प्रील्यूड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वर्णन जो है प्रील्यूड में किया हुआ है। व्हाट वॉज लिरिकल बलाड वॉज मोर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इंग्लैंड, यानी कि जो लिरिकल बलाड थे जो कि वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा हुआ है, ये जो है इंग्लैंड, हालांकि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, सब इनकी रचनाएं उनकी वहीं पे हुई थी, लेकिन ये जो लिरिकल बलाड था ये इंग्लैंड में उतनी फेमस नहीं हुई जितना कि अमेरिका में फेमस हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये एक इमोर्टिलिटी वर्ड ओड है जो कि वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा हुआ है, उसी में ये लाइन है, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। द ओनली लव पोएम बाई वर्ड्सवर्थ वो कौन सा था, वाई आर डू साइलेंट, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक लव पोएम है, किसके द्वारा लिखा हुआ, वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखा हुआ है। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन, ये किसका कथन है, अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन, ये एक कथन है वर्ड्सवर्थ जी का। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, यानी कि जो इनका फर्स्ट वॉल्यूम जो पोएट्री है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। देयर इज अ एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, ये किसका कथन है, ये वर्ड्सवर्थ जी का कथन है। कौन सा कथन, कि देयर इज अ एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज पोएम्स डील्स विद रस्टिक लाइफ, वर्ड्सवर्थ जी के पोएम है वो जो है रस्टिक लाइफ से संबंधित है। नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर कभी भी किसी को गुमराह नहीं करती है। द हार्ट डैट लव्ड हर, जो लोग नेचर से अच्छे से प्यार करते हैं, ये किसका कथन है, ये टिंटन एबी में लिखा हुआ एक लाइन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये जो है फ्रॉम द टेबल टर्म से लिया गया है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। एंड लूसी पोएम्स इज अ ग्रुप ऑफ फाइव लिरिक्स, लूसी पोएम का नाम आप सुने होंगे जो कि पांच लिरिक्स का एक ग्रुप है, कौन कौन है वो देख लेते हैं। सी गेव्स मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल कैरियर्स एंड डेलिकेट फियर्स, ये जो है वर्ड्सवर्थ जी जो लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा किसके लिए लिखा गया है, ये जो उनकी प्री सिस्टर रहती है डोरोथी, उनके लिए ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। क्या, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, किड्स कॉल्ड हिम द इगोटिस्टिकल सबलिम, किसने कहा है, ये किड्स ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट वर्स फेल इन लव विद एनेटी वालोन इन फ्रांस एंड हैड वन गर्ल बट कुड नॉट मैरी हर, जब ये फ्रांस पे विजिट करने के लिए जब गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वहाँ पे एक लड़की से इनको प्यार हो गया था जिसका नाम एनिटी वेलेन था। वहाँ पे जो है इस लड़की से वर्ड्सवर्थ को एक बच्ची पैदा होती है, लेकिन एनिटी वेलेन से वर्ड्सवर्थ शादी अंततः नहीं कर पाते हैं। और खैर वहाँ का ऐसा रीति रिवाज कुछ रहता है कि बच्ची पैदा हो गई तो ऐसा कुछ जैसे इंडिया में लोग सोचते हैं उधर लोग नहीं सोचते हैं।
तो एक लड़की उनसे पैदा होती है जो एनिटी वेलन रहती है, वहाँ उनसे एक प्यार हो जाता है और जो है शारीरिक संबंध भी बनता है, बच्ची भी पैदा होती है, लेकिन जो है वर्ड्सवर्थी किसी भी रीज़न से जो है शादी उनसे अंततः नहीं कर पाते हैं। हाँ, इनके लिए इन्होंने बहुत मतलब कि टेक केयर जो है बहुत ही केयर इनका लाइफ भर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, लूसी इज कंसिडर्ड एज डॉटर ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड एनिटी वेलिन। जो लूसी है ये उसी लड़की का नाम है जिनसे जो एनिटी वेलिन और विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो जो लड़की जो पैदा हुई थी जिनसे ये शादी नहीं कर पाए थे, तो वो जो इकलौती जो लड़की पैदा हुई थी उसी लड़की के नाम लूसी है ये कहा जाता है। और इनके कुछ लूसी पे पोएम्स भी है विलियम वर्ड्सवर्थ के, जो कि लूसी पोएम्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रीलूड इज़ एन एपिकल पोएम एड्रेस टू कोलेरिज। जो द प्रीलूड जो एक इनका पोएम है, जो एपिकल पोएम है, इसमें जो है इन्होंने अपने जो कोलेरिज जो रहते हैं इनके पड़ोसी जो एक पोएट रहते हैं, प्रील्यूड में जो है इन्हीं को विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने संबोधित किया हुआ है। इन्हीं को अपने संबोधन में बार बार जो है कुछ बातें इनसे करते रहते हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ पे आधारित था। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और गाइज इसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत है या फिर और कुछ मटेरियल इसमें ऐड होने की बात अगर रहती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।